देखिए, बजट का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का प्रस्ताव यही है कि 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक जो इसका हम लोग निर्णय लिए हैं, और उसमें जो कार्य दिवस होगा, एक दिन तो हमारा जो होता है शोक प्रस्ताव होता है, उसके लगातार उसे चलेगा। 27 तारीख को बजट ये होगा, सब पहला दिन तो सप्लीमेंट्री बजट जो रखा जाएगा उसको चर्चा होगा, 27 तारीख बजट रखा जाएगा, और एक दो दिन क्वेश्चन आंसर जो होना है वो होगा, और बजट जो है गोल्डिंग करके एक बार पारित कर लिया जाएगा। लेकिन करके पास करा रहे हो, सरयू राय जो तटस्थ रह गए, कह रहे कम से कम 8 नहीं 18 दिन कार्य दिवस हो। सरकार देखिए, बाप चर्चा से क्यों भाग रही है? सरकार नहीं, सरकार चर्चा से भाग नहीं रही है, परिस्थिति को देखते हुए। आप लोग जानते हैं कि आज आप ही के द्वारा ये प्रचारित किया जाता है कि 9 तारीख को आचार संहिता लागू हो जाएगा, बहुत जल्द जो है जनवरी के 1-2 तारीख में ही आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो इससे सरकार हर तरह का अपने से क्वेश्चन लेकर ही काम करती है। आप बिहार का उठाकर देख लीजिए, वो तो लंबा चौड़ा है। लेकिन सर, ये पहली बार होगा कि पूरा बजट सब बुलेटिन करके सरकार पास कराएगी, तो ऐसा नहीं लग रहा कि मनी बिल ड्रॉप ना हो, इसकी चिंता सरकार? नहीं नहीं, ये कभी नहीं है। उस दिन देखिए, ये तो आप लोग उठाते हैं, उस बार भी उठाए थे, और आप लोग देखिए क्या हमारा जितना भी विधायक है इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेंगे। आप दूसरे राज्य का उठाकर देख ली नहीं है, इस बार का परिस्थिति अलग है। आप पार्लियामेंट को उठाकर देख लीजिए, आपको सभी देखने मिलेगा। बिहार में तो टूट गया क्या? शुरू हुआ आज से हाउस, कल तो नीतीश कुमार ने बहुमत से ज्यादा हासिल कर लिया। ना, टूट गया क्या? सरकार उन्हीं की था, उन्हीं का सरकार बनता है, कहां हम लोग बोले दूसरा का सरकार बनना जाए। इंसिडेंट हो गया, बड़े नेता कांग्रेस के, उन्होंने त्याग दे दिया, एक एक करके कांग्रेसी जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेसी जा रहे हैं आ रहे हैं, यह जो है राजनीति का प्रवृत्ति जो है, कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जो है सब लोग अपना अपना देखते हैं कि कहां पर हम सुरक्षित रहेंगे, कहां पर हमें टोका झोंका नहीं जाएगा। तो सुरक्षित जगह को देखते हुए, और वो देखता है कि एक ही पार्टी है जिसके पास जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए ऐसा होता है। सर, तो एक आखिरी सवाल बनता है, तो इस बार जीताऊ से ज्यादा कांग्रेस पार्टी टिकाऊ उम्मीदवार का चयन करने में ज्यादा ध्यान देगी? निश्चित तौर पर, एकदम निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी, परिणाम इस बार जो है चौंकाने वाली होगी। अच्छा, ये कह रहा है 16 तारीख को जो अवसर है, तो मंत्रिमंडल में आप लोग फेरबदल करने जा रहे हैं या जो पुराने थे एजीटी रहेंगे, क्या कुछ होगा? ये आलाकमान तय करते हैं, आलाकमान ही तय करेंगे, और इसका विशेष रूप से जानकारी हमारे जो प्रभारी है वो दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। हम व्यक्तिगत तौर पर जानना चाह रहे कि विधायक दल का नेतृत्व की इच्छा क्या है? मेरी इच्छा से कोई मतलब नहीं, हम जो है हम लोग जो है आलाकमान को अपनी जो फीडबैक है वो दे देते हैं, आलाकमान जो निर्णय लेते हैं, विधायक दल और विधायक जितने भी हैं सब सर्वमान्य होता है, सबके लिए सर्वमान्य होता है। देखिए, 16 तारीख को क्या हो रहा है। Follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.